मेरे संबंध सरदार बादल नाल उन्होंने परिवार नाल जग जाहर ने, लेकिन जदों कोई अकाल चलाना कर जाता है, अकाल पुरख के चरणों के चलिया जाता तो मन मुटाव मुक जाते। बचपन च मेरी माँ मैनू कहती हूँ, मेरा फादर मैनू कहना हूँ कि बेटा अगर कोई उस परमेश्वर की शरण च चलिया जाए ना तो थोड़े मन मुटाव हो, जो दफनाया जाए तो फिर वह उत्थे ही दफना दो, जो जलाया जाए तो उत्थे ही जला दो। सो इंसान दी जीवन दे विच दो पड़ाव ऐसे आउंदे आ जदों उहदी जिंदगी बदलदी है, एक जदों बाप बनदा है, दूसरा जदों उहदा बाप जांदा है। क्योंकि मां बाप दो ऐसे शख्स ने जिहड़े आपदी औलाद नूं अपने तो उच्चा देख के खुश ने, होर धरती ते कोई नहीं, रब तो बाद मां बाप दा ही दर्जा। इसलिए मैं ये दुख हंडाया जदों फादर गए सीगे, दो महीने बोलिया नहीं गया। मैं इस दुख नूं समझ सकदा और इस दुख नूं मोढ़ियां ते चक्किया, बहुत औखा चक्किया। इस करके अज सुखबीर जी का, छोटी भैन हरसिमरत का यह दुख थोड़ा बहुत शेयर करना बड़ा जरूरी सी, उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिले। पांच वार मुख्यमंत्री लोगों ने बनाया सी, इस चीज़ की रिस्पैक्ट होनी चाहिए। वी मस्ट ऑलसो लर्न टू रिस्पैक्ट द डेड। इस करके जिहड़ियां अच्छियां चीज़ां ने, बहुत कुछ ऐसा सी, मैं उन्होंने 150-200 रैली की है 2006-07 दे विच, वो याद रहणगियां। ते बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा उन्हां दे जान नाल मैं दफन कर चुकिया। इस करके परमात्मा इस परिवार नूं ताकत दवे। साडे भी मां बाप गए सी, सानू पता है इस दुख का, ताकत दवे और समर्था बख्शे कि इस असह और अकह दुख नूं उह सह सकन और इस विछोड़े नूं सह सकन, ताकत मिले और उन्हां दी आत्मा नूं परम शांति मिले। जुड़ी कोई निजी याद तो बहुत नहीं, बड़ा प्यार बहुत अज दिन नहीं गल्लां करन दा, बहुत नहीं। मैं उन्होंने सुखबीर भाजी नाल भी कीतियां, मैं उन्होंने देख देख के बहुत सीखियां। दो चीजां कह दिंदा, एक ते वो अंदरला भेज दिंदे ही नहीं सी किसी। आ हुण मैं छोटी भैन हरसिमरत नाल बैठा सी, उन्हां नूं वो कहिंदी बाल साहब नूं किसे ने पुछिया भी जी तुसीं दसदे नहीं जो थोड़े अंदर हुंदा है वो तुसीं दसदे नहीं। कहिंदे अगों जवाब दिता है कि जे थोड़े अंदर कोई वड्डी योजना है आपदी घर वाली नूं भी ना दसो। समझदे हो मेरी गल, कि मैं उन्हां नूं कदे गुस्से च नहीं देखिया। देखो एक बड़ियां वड्डियां चीज़ां ने, मैं उन्हां नूं कदे गुस्से च नहीं देखिया। और एक होर चीज़, सुनन दी ताकत। मैं हजारां लोगों नूं उन्हां नाल गल करते देखिया है, वह सुनते सी और बोलते नहीं सी, हालांकि उन्होंने सब पता हुंदा सी। एक बार अमृतसर का एक नेता उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समझाने लग गया, 45 मिनट समझाई गया, एक शब्द नहीं बोले। जदों वो निकलिया ना बाहर, मैं क्या मित्रा जदों तू जम्मिया नहीं सी ना, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उदों दा पता जी। समझना मेरी गल। इस करके हरेक नूं अपनी जगह देनी। फिर मैं उन्होंने सरहंद कनाल दे नाल गैस्ट हाउस सी, उन्हां दा बचपन का दोस्त जदों चीफ मिनिस्टर सी, उन्हां दा बचपन का दोस्त बुरा भला कहिंदे देखिया। अच्छा, मुख्यमंत्री राज सत्ता का मालक इंस्पैक्टर उन्हूं फड़न लग्या, कहिंदे नहीं यह मेरा बचपन का दोस्त है, इहदा हक है, इहनूं कहिण दे मित्रा। यह सुनन की ताकत अज है नहीं, 18 साल जेल जो भी है। मैं की आख्या कि जे मेरे कोई मन मुटाव सी उन्हां दे जान तो बाद मैं वो अग्नि नूं अर्पित करते, जिहड़े अकाल पुरख कोल चले गए उन्हां नाल कोई बैर नहीं हुंदा, कोई मन मुटाव। सिर्फ सिर्फ सियासत दा वैसे ट्रैक तो नहीं लगदा थोड़ा बदलदा जा रहा है, निजी ज्यादा नहीं। ये देखो ये एक गल सुन लो, पहला दुख सुख ज्यादा हुंदा सी, बैटल हमेशा पंजाब दे एग्जिस्टेंस लई ये गल्लां करन वाली नहीं। पर जे तू पुछदा तो मैं तो इस करके लड़ रहा भी आने वाले समय से सूबा रहने जोगा नहीं रहना, छोटे भाई जे असी संभले ना ना इस रहने जोगा नहीं रहना। सब तो खतरनाक बंदा हुंदा भुखा आदमी, तो पंजाबी भीख नहीं मंगता, गले मार के शीशे तोड़ के थोड़े घर वड़ू। ये भुखा आदमी वो लड़ रहे हैं, अगली पीढ़ी लड़ रहे हैं, एक पीढ़ी नशे खा ली।
एक पीढ़ी अतवाद लै गया, एक पीढ़ी हुण बाहर जाई जांदी है, रल के लड़ाई लड़न वाली है। ये प्लेटफॉर्म उन्होंने गलों का नहीं, अज सिर्फ इन्ना ही है, परम शांति मिले उन्होंने आत्मा नूं और इस परिवार को ताकत मिले कि ये बुजुर्ग नूं गवाया। बुजुर्ग घरे बैठा होवे ना, कुछ भी ना करता होवे, बड़ा वड्डा सहारा हुंदा, बहुत हौसला हुंदा। धन्यवाद।